आप ना सवाल बड़े सही पूछ रहे हो देवर्षि सर, अगर मैं सही बात बताऊं ना तो, क्योंकि मुझे पिछले कुछ टाइम से ऐसा जील हो रहा था मेरे ही अपने चैनल पे कि मैं कुछ ऐसा करूं, बिकॉज हम क्या करते हैं ज्यादातर एज अ ट्रेनर ना, कि टेक्निकल चीजें तो टच कर देते हैं पर कुछ ऐसे पहलू होते हैं अनछुए कि जो जिन पे बात करनी बड़ी जरूरी है। थैंक यू फॉर हैविंग दिस सेशन वंस अगेन। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस चीज में, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डिग्री पूरा होने का, डिप्लोमा पूरा होने का वेट करते हैं टू गेट स्टार्टेड फॉर देयर इंटरव्यू प्रोसेस। तो ये एक कॉमन मिस्टेक कह लो या एक कॉमन तरीका है, जो ट्रेडिशनल तरीका है, और उस तरीके में फिर ट्रेडिशनल जॉब मिलती है, ट्रेडिशनल करियर मिलते हैं। पर आजकल अगर आप कंपटीशन की बात कर लो या फिर आप जॉब मार्केट की बात करोगे, तो उनको ऐसे बंदे चाहिए विच आर यू नो हु आर एक्चुअली इन्वॉल्व, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी में, तो वो देखना चाहते हैं आपको। अब कैसे आप उनको दिखा सकते हो, मान लीजिए आपके एटलीस्ट 6 मंथ, चलो आपने मौज मस्ती मार ली है, साथ में थोड़ा बहुत पढ़ भी रहे हो, 6 महीने जो आने वाले बचे हुए हैं उसमें फोकस करिए अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे। क्योंकि देखिए जहां से आप जॉब ढूंढ रहे हो ना, थोड़ा सा ये बड़ी सोचने वाली बात है कि Naukri.com, LinkedIn, ये जो बड़े दो मेजर प्लेटफॉर्म अगर आप बात करो, और भी बहुत सारे हैं, ये सजेस्ट करते हैं कि टेक्निकल स्किल्स तो है आपके अंदर, वो सबके अंदर है, बट वट पीपल आर लैकिंग, जो लोग अभी लैक कर रहे हैं ना इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, वो है ह्यूमन टच। तो उनको वो भी चाहिए होता है, तो आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे काम करिए। इंग्लिश को मैं ऐसा ओवर रेट नहीं करूंगा कि इंग्लिश स्पीकिंग आपकी इतनी हाई फाई होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं आप मानोगे नहीं, ठीक ठाक इंग्लिश है जिनकी, बट वो बहुत अच्छा पैकेज ले रहे हैं, बट उनकी अच्छा क्या है, कम्युनिकेशन स्किल। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल को, तो हैव योर बेसिक स्ट्रेट, बातचीत करने का तरीका, लोगों से डील करने का तरीका, डिफिकल्ट कस्टमर से डील करने का तरीका, स्ट्रेस से डील करने का, बिकॉज आईटी बहुत रिवॉर्डिंग करियर है पर एक चैलेंजिंग करियर भी है, स्पेशली अगर आप सिक्योरिटी वगैरह के फील्ड में करियर वाइज जाना चाहते हो, Layer 3 वगैरह पे, तो उनके बारे में अभी से फोकस करना, अपने आप को एक बेटर ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअली डेवलप करने की कोशिश करिए, और हर किसी के अपने तरीके होते हैं, आप ढूंढिए और यू नो ग्रो करना स्टार्ट करिए। मैं ज्यादा नहीं बातें करूंगा, उसके लिए हो सकता है कि हमें कोई अलग से सेशन रखना पड़े, बट यस फाइनली जो मैं बोलना चाहता हूँ कि अब जिस तरह की जॉब आपको करनी है ना, उन 6 महीने में उसके बेस पे कोई प्रोजेक्ट, कुछ काम ऐसा, जैसे मान लो आप डिग्री कर रहे हो तो आपको ना एक प्रोजेक्ट करने को मिलता है, मेजर प्रोजेक्ट, माइनर प्रोजेक्ट, या फिर आप कोई डिप्लोमा कर रहे हो उसमें भी आपको असेसमेंट देनी होती है, तो उसमें जान लगा दीजिए आप। वो हो सकता है कि जो आपने प्रोजेक्ट बनाया हो या वो जो असेसमेंट दी हो, कोई हायर करने वाला आए, और वो जैसे मेरे साथ हुआ था, मैं आपको बताता हूँ एक लाइव इंसिडेंट है। एक ट्रेनर थे कोई, और वो एक पेपर चेक कर रहे थे, और एंड आई वाज वेरी इंप्रेस्ड द वे जिस जो उस बंदे ने एक्सप्लेन किया हुआ था, एक वीडियो उसने सबमिट करी हुई थी बना के अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करके, और एक उसका साथ में असेसमेंट था जो रिटर्न था, एंड आई वाज लाइक कि मुझे ये बंदा चाहिए, समझ रहे हैं? मैंने उसका कोई इंटरव्यू नहीं लिया, मैंने उसका कोई प्रोसेस नहीं, जस्ट डायरेक्ट 1 to 1 उससे मीट हुआ, एंड आई वाज वेरी इंप्रेस्ड कि उस बंदे ने जब अपने जो सेल्फ इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट में इतनी जी जान लगाई, तो वो कंपनी में जब उसको पैसा, मोटिवेशन और करियर सब मिलेगा, तो वो क्या नहीं करेगा। तो आई होप यू आर यू नो पीपल आर गेटिंग दिस पॉइंट।